तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपकी जो सफारी के लिए हम सबसे पहले पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो इसका मेंटेनेंस फोन कर दो फिर हमारे डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हाँ, पहले कैसे पुराना रोड था ना, उसको रिपेयर किया। पहले टाइगर रिजर्व बनने के पहले नेशनल पार्क था ना। वी आर एक्सपेक्टिंग टू सी माया और उसके साथ में उसके चार बच्चे भी हैं, क्योंकि हमें बोला गया है कि ज़्यादा शोर नहीं करना है। ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, कुछ साल पहले मैंने ट्रिप की थी हमारे रमन साइंस सेंटर के पूरे स्टाफ के साथ में। कुछ फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था जंगल सफारी का, और मुझे फर्स्ट टाइम में ही टाइगर्स की साइटिंग हुई, वो भी एक नहीं चार। यस, चार टाइगर्स की साइटिंग हुई थी मुझे एक साथ। क्या होता है जब 3 घंटे 4 घंटे आप टाइगर्स को जंगल में ढूंढते हुए घूमते हैं, वो आपको नहीं दिखते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है, वो सारी सब कुछ चीज़ों को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। थोड़ी अलग जगह से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे अभी ताड़ोबा में हूँ, मोहरली गेट पे। कुछ 3 बज रहा है एग्जैक्टली और हम लोग गेट पे खड़े हैं। सुबह तक के वेट करना ही हमें, हम रात में इतने अंदर तो जा नहीं सकते, और कोर जंगल में हम। ये मैंने इसके पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। जो हवा चल रही है यहाँ पे और जो पत्तों की आवाज़ है, जो जंगल है, बाकी सारे लोग तो सो चुके हैं, मतलब सोने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी वजह से सो नहीं पा रहे। सो बेसिकली अभी 4:45 बज रहे हैं सुबह के, और हम लोग मोहरली गेट की तरफ में जा रहे हैं, फर्स्ट गेट क्रॉस करके जहाँ पे हम बहुत देर तक के खड़े थे। सुबह के 5 बजने वाले हैं और हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं मेन गेट से। मेन गेट नहीं, सॉरी, एक प्रायर गेट होता है मोहरली गेट के पहले, जो कि 12 किलोमीटर पहले है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए मोहरली गेट। अब हमको वेट करना है जब तक के सफारी के लिए सब चालू होता नहीं है। फिलहाल 5:10 हो रहे हैं। मेरे ख्याल से आज की जो सफारी के लिए हम सबसे पहले पहुँच चुके हैं यहाँ पे। अभी भी 6 बजने वाले हैं, 6 बजे नहीं है पूरे पे। अभी अभी जस्ट पूरी सफारी की जो जिप्सी है वो अभी आई है यहाँ पे। काफ़ी मज़ा आ रहा है, चलिए देखते हैं। फिलहाल तो नाश्ता करेंगे हम लोग, क्या बोलते हो अक्सर? चाय पियेंगे सर, अभी चाय पियेंगे कि ठंडे पहले चाय पी के। तो सर अपनी सफारी की 6 बजे की, तो 6 बजे से कब तक के रहते सर? 6 से 10 तक 9:30 तक वापस आ रहे हैं। काफ़ी सर्दी भी है लेकिन मेरे को पता नहीं अभी उतनी फील नहीं हो रही, थोड़ी धीरे धीरे होगी मेरे को धीरे धीरे होती है। तो सुबह सुबह सब लोग अभी नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, सारी जिप्सी आ रही है, सब वार्म अप गियर अप हो रहे हैं सब लोग, और सब लोग अपनी अपनी दुकानें यहाँ पे बहुत जल्दी खोलते हैं, क्योंकि प्रॉबेबली 6 बजे का टाइम रहता मेरे ख्याल से यहाँ पर। Having early morning breakfast. Poha. Poha without tari and with tari. सूरज निकलने का ही, अभी दिन निकलने का, और हम लोग हमारी जिप्सी विप्सी में है अभी। कुछ नहीं, अभी मोबाइल जमा हो गए। हो क्या हमारे? तो नहीं, वैसे भी रखना पड़ेगा। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे हमारे को मोबाइल सबको जमा कर देने हैं। ज़्यादा मोबाइल भी चलता हूँ, बजना नहीं चाहिए। ओके, तो मोबाइल ऑफ करके साइलेंट करके स्पॉटलाइट अलग।
12-13 डिग्री सेल्सियस होगा, फोन है नहीं तो मैं देख नहीं सकता हूँ कितना टेम्परेचर है, और अभी तक के सिर्फ सांभर ही दिखे हमारे को। मैं 7:10 हो गए कुछ भी नहीं दिखा और अभी तक के हमारे को सिर्फ स्पॉटेड डियर दिखे, अरे किंगफिशर दिखा जिसने फोटो लेने नहीं दिया। 9:30-10 तक के है तो 9:30-10 तक के देखिए आप, कुछ किस्मत में है तो दिखेगा, नहीं तो फिर बता नहीं सकते। वैसे सर्दी बहुत है और बहुत कुल्फी जम रही है हम सब लोगों की। सो फाइनली वी आर एक्सपेक्टिंग टू सी माया और उसके साथ में उसके 4 बच्चे भी हैं। ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगा मैं क्योंकि हमें बोला गया है कि ज़्यादा शोर नहीं करना है। अब देखते हैं कि हम लकी इनफ है कि उसे देख सकते हैं कि नहीं। वैसे उसके बच्चों के पैरों के निशान तो देखे हैं मैंने, पग मार्क्स बोलते हैं उन्हें यहाँ पे। और दूसरा रास्ता है वो पांडर कोनी के एरिया में जाने के लिए टायर रोड। हाँ अभी वैसे ही वो टायर रोड से गए थे, इसका एरिया छूट जाता है। तो पूरी सफारी हो गई हम लोगों की, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हमारे को कोई और विक्ट्री कप्स नाम था सोनम और उसके 3 कप्स भी थे उसके साथ में। सो फाइनली आखिर में जाते जाते हमारे को दिख ही गया और यहाँ पे ही मैं अपना ये ब्लॉग का सीरीज एंड करूँगा। सो मे बी नेक्स्ट टाइम हम डबल से ट्राई करेंगे और वापस से आएंगे यहाँ पर। सबको आना चाहिए एक बार। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, लगे तो उसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और मैं इसी तरीके के जो मेरे और पुराने वीडियो शूट करके रखे हुए मैं कोशिश करूँगा उनको पोस्ट करके, एडिट करके पोस्ट करूँगा। वॉशरूम कैसे है यहाँ के? वॉशरूम यहाँ के वॉशरूम तो अच्छे है, लेट देयर बी लाइट। हाँ वॉशरूम यहाँ के अच्छे हैं, लेकिन अभी तक तो मेरा इंतजाम होने का है वॉशरूम के अंदर जाने का। ये चीज़ का शायद ही आपको कोई रिव्यू देगा यहाँ वॉशरूम अच्छे हैं, मतलब अच्छे हैं, मतलब सच में अच्छे, सच में अच्छे हैं।